अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के शादी महल गली के पास में आयशा इमारत में प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई है और 14 साल का एक लड़का इसमें घायल भी हो गया है। बताया जा रहा है कि करीब 20 साल पुरानी ये आयशा इमारत है, जो ग्राउंड प्लस 5 मंजिला इमारत है। इसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रूम नंबर 8 जो मकान मालिक है उनका नाम है जमाल शेख और इन्होंने किराए पर ये मकान गुलरेज अहमद को दिया था। इनका पूरा परिवार इसमें रहता था, मगर बताया जा रहा है कि कल रात करीब 8:15 के आसपास में मकान का प्लास्टर छूट कर गिरा और जिसमें 14 साल के अब्दुल वहाब अहमद के पैर में चोट लगी है। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल विभाग और मनपा आपत्ति व्यवस्थापन की टीम पहुंच गई है और घायल अब्दुल वहाब अहमद को कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 20 साल पुरानी ये इमारत है और ग्राउंड प्लस 5 मंजिला इमारत है और ग्राउंड फ्लोर के रूम नंबर 8 में ये स्लैब गिरने की घटना सामने आई है। इस पूरे मामले की जांच आगे सार्वजनिक बांधकाम विभाग कर रहा है।